शीट नंबर 46 में पहला क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक साउथ पोल्स आर लोकेटेड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, दो पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, तुम मन में नॉर्थ नॉर्थ भी ले सकते हो, मन में साउथ साउथ भी ले सकते हो, जैसी इच्छा वैसे लो। पोल्स ऑफ ईच मैग्नेट हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ, तो ये क्या गिवन है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई छोटा एम। तो ये बना दिया आपने, ये स्टेटमेंट गलत है, 20 सेंटीमीटर से काट दो प्लीज। आपको बताना है इनके बीच में फोर्स क्या होगी। कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म किया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इन टू एम बाय आर स्क्वायर, एम और एम पता है, आर पता है, यहाँ से आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, टू इक्वल एंड अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स का मतलब साउथ एंड नॉर्थ मान सकते हैं, एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, इनके बीच में पोल स्ट्रेंथ क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये इतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी फोर्स म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इन टू एम बाई आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो ये कह रहा है कि बताओ इनके बीच में आर नया क्या हो ताकि फोर्स की वैल्यू इनके बीच में 1.6 × 10⁻⁴ हो जाए। तो केस नंबर 2 में एम तो वही रहेगा जो ऊपर था, डिस्टेंस नया हो जाएगा और फोर्स भी नहीं हो जाएगी। तुम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, m और m आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से f की वैल्यू गिवन है और यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी, m से m कैंसिल, म्यू नॉट से 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई भी कैंसिल। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या कूलम लॉ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे दो मैग्नेटिक पोल्स हैं और जिसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो 10 गुना ज़्यादा है पहले से, तो अगर पहले की पोल स्ट्रेंथ छोटा m है तो दूसरे की 10m है, और इनके बीच में फोर्स आपको पता है और डिस्टेंस भी आपको पता है, आपको m बताना है क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 10m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, सॉल्व करके m आ जाएगा, एक पोल स्ट्रेंथ m है तो एक 10m है, 10 से मल्टीप्लाई करके 10m की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही चल रहा है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स और पोल स्ट्रेंथ 5 और 20, पोल स्ट्रेंथ गिवन है 5 और 20, छोटा एम दोनों का गिवन है आपको, ये दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर गिवन है, आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए। आप इमेजिनरी टेस्ट पोल इमेजिन कर सकते हो, हमने क्लास में डिस्कस किया था, टेस्ट चार्ज 1 होता है, टेस्ट पोल ले लें, टेस्ट पोल 1+1 का मतलब नॉर्थ पोल इमेजिन कर लें जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। तो ये नॉर्थ लाइक पोल्स हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, फोर्स का फॉर्मूला लगा लें, म्यू नॉट बाय 4 पाई 5 इंटू जो भी आएगी, 5 इंटू कितना, 1 अपॉन इसका स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये 21 को रिपेल करेगा, 20 इंटू 1/1 माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि नेट फोर्स 0 आनी चाहिए, तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दें, आंसर आ जाएगा। फील्ड 0 का मतलब है B0, तो जहां आपने B निकालना है वहां +1 ले लो ना, जहां E निकालना हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में +1 चार्ज ले लो, जहां B निकालना है +1 पोल ले लो। नहीं, B का यूज कर रहे हैं, E का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0Q/r2। हाँ, तो इसमें B/r2, वो तो 1 का तो टेस्ट पोल है ना, फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे वो तो वन ही है, वो तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है सेम। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे सोचना पड़ा, इस क्वेश्चन में दो मैग्नेट्स हैं, आपको इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ गिवन है, दोनों की सेम है, 75 75 75 75 mm गिवन है आपको, इसमें इनकी लंबाई भी पता है 0.1 0.1, और इनके सेंटर के बीच में दूरी भी पता है 0.2 है, आपको दोनों मैग्नेट्स के बीच में फोर्स बतानी है क्या होगी। इम्पॉर्टेंट ये है, जब फोर्स निकालनी है तो इसने इस पर क्या फोर्स लगाई, ये कभी कैलकुलेट करना नहीं करना कि बार मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, खुद पे नहीं लगाती, तो इनकी फोर्स नहीं लेनी। तो कैसे लेना है, नॉर्थ साउथ की लेनी है, नॉर्थ नॉर्थ की लेनी है, साउथ साउथ की लेनी है, और साउथ नॉर्थ की लेनी है, 4 फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इसमें। पहली नॉर्थ और साउथ की अट्रैक्टिव, म्यू नॉट बाय 4 पाई
75 इंटू 75 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं इसमें। दूसरी फोर्स नॉर्थ और नॉर्थ के रिपल्सिव, तीसरी साउथ और साउथ के रिपल्सिव, चौथी साउथ और नॉर्थ की अट्रैक्टिव। तो दो फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं और दो फोर्सेस रिपल्सिव हैं, चार फोर्सेस निकालनी है और नेट आंसर में अट्रैक्टिव एक तरफ रिपल्सिव एक तरफ, अट्रैक्टिव यहाँ पर बड़ी आ रही है, रिपल्सिव छोटी आ रही है, तो अट्रैक्टिव में से रिपल्सिव को माइनस करके नेट आंसर अट्रैक्टिव कर देना है। नहीं, मैं पोल पोल पे लगा रहा है, एम इन टू एम बाई आर स्क्वायर। तो मैंने चार फोर्सेज इकट्ठी ले ली और पोल पोल पे लगा रहा है, तो कूलम लॉ लगाता जा रहा हूँ। ये वैसे ही है जैसे चार चार्जेस रखे हुए हैं एक दूसरे पे, नेट फोर्स निकालनी है। मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लेंथ, मैग्नेट की डायपोल की लेंथ क्या होती है, 2L, तो 2L गिवन है। हैज़ अ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा एम। पोल स्ट्रेंथ निकालो, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, छोटा एम। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इज स्मॉल एम इंटू 2L। तुम्हें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम पता है, तुम्हें इस क्वेश्चन में 2L पता है, और पोल स्ट्रेंथ निकालनी है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मैग्नेटाइज स्टील वायर की लंबाई पता है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम भी पता है, इसे सेमी सर्कल बना दिया। जब तुम इसे सेमी सर्कल बनाओगे तो ये लेंथ सेमी सर्कल की फॉर्म में क्या लेंथ देगी, पाई आर। तो यहाँ से पहले तो आर निकाल लूँ, फिर वो कह रहा है इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल लो। अगर ये छोटा एम है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, स्मॉल एम इंटू टू आर। स्मॉल एम तो क्वेश्चन में गिवन है और आर की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करके आंसर, तो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे दो बार मैग्नेट्स हैं, एक की पोल स्ट्रेंथ 25 है और एक की पोल स्ट्रेंथ 48 है, दोनों परपेंडिकुलर हैं सच दैट नॉर्थ और साउथ इकट्ठे हैं, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। इसमें डायपोल मोमेंट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, कैपिटल एम वन। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ। तो कैपिटल एम होता है क्या, स्मॉल एम इंटू 2L, 2L भी पता है 0.25 है, यहाँ भी 2L पता है 0.20 है, तो कैपिटल एम वन कैपिटल एम टू आ गया। तो नेट वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा इस सॉल्यूशंस को, आप एक बार ले लेना मुझसे इसकी कॉपी, बट समझ में आ रहा है कि क्या करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ले लेना क्योंकि अगली बार इसका टेस्ट लेना है मुझे, पढ़ के आना पड़ेगा, आपको चाहिए होगी ये कॉपी। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी में आनी है, मुझे मालूम है ये चीज़ें। इसके बाद शीट नंबर 46 के बाद शीट नंबर मैंने 47 दी थी, ये रही। क्वेश्चन है, बार मैग्नेट इज 0.10 मीटर लॉन्ग, बार मैग्नेट की लंबाई हमेशा क्या ली जाती है, 2L। पोल स्ट्रेंथ की मैंने स्मॉल m, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, ऑन दी एक्सिस। एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगा लेना, हमने किया था। आपको एक्सियल लाइन में कैपिटल m चाहिए जो कि क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L। वैसे मेरे हिसाब से शॉर्ट डायपोल लगा लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन ही करेगा। तो अब शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4π 2 कैपिटल एम बाई आर क्यूब, याद है 2m बाई आर क्यूब, जैसे 2p बाई आर क्यूब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2m बाई आर क्यूब वो लगा लेना। जैसे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की लेंथ पता है जो कि क्या होती है 2L, हैविंग पोल स्ट्रेंथ क्या होता है छोटा m, और कहाँ पे निकालना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल, दोनों पोल से 10-10 सेंटीमीटर दूर तो ये पॉइंट आएगा, और ये लाइन कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल में r निकाल लेना पाइथागोरस से और यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि इक्वेटोरियल के फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4π शॉर्ट डायपोल के लिए कैपिटल m बाई आर क्यू, पुट कर देना। और कैपिटल m क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m भी पता है और 2L भी पता है, सही है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट हैज अ लेंथ ऑफ, बार मैग्नेट की लेंथ का मतलब 2L पता है, L मत लेना, 2L होती है बार मैग्नेट की लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इन ब्रॉड साइड पोजिशन, ब्रॉड साइड पोजिशन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल। आपको पोल स्ट्रेंथ बतानी है तो आप इसमें इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाएं, शॉर्ट डाइपोल का बी आपको पता है, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2L है, 2L आपको पता है, आर आपको पता है, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा इसमें, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, अब देखो ना वो मैग्नेट के साथ करंट कैरिंग लूप भी डिस्कस कर रहा है। करंट कैरिंग लूप कैपिटल एम पता है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द लूप। अब देखो ना जो बार मैग्नेट है वो जो करंट कैरिंग लूप है वो एस है, करंट कैरिंग लूप एस है, इसके एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस भी निकाला था हमने, याद करो वो जो हमने डेरिवेशन की थी बाइट सेवेट लॉ में, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस के ऊपर बी निकालने का फॉर्मूला था, एक छोटा तरीका समझो। तुम इसको एक मैग्नेट मान लो, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट मान लो, इस मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तुम इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा 2m/r³ शॉर्ट डायपोल, क्योंकि तुम करंट कैरिंग लूप को क्या मान रहे हो, एक मैग्नेट, और कैपिटल एम को क्या लोगे, करंट इंटू एरिया। वैसे कैपिटल एम इसमें गिवन ही है, इसमें गिवन है कैपिटल एम। तुम चाहे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो बाइट सेवेट लॉ का, तुम चाहे मैग्नेट के साथ इक्वेटोरियल भी लगा सकते हो, बात एक ही है। आप कंपेयर देख रहे हो कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि एक करंट कैरिंग लूप को बार मैग्नेट की तरह कंपेयर कर रहा है। हाँ एक्सियल का फॉर्मूला होगा ना, अच्छा एक्सियल का फॉर्मूला, मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप गिवन है ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, ओके हाँ एक्सियल होगा, ओ मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर करंट कैरिंग लूप का ऐसे होता है और एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है, आई एम सॉरी इक्वेटोरियल नहीं है, एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेट फील्ड है वो ऐसे है, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल नहीं होगा। मैं सोचा ऐसे ले लूँगा, ऐसे कोई लॉजिक नहीं बना, ऐसे लॉजिक बना बी वेक्टर के लॉन्ग लेना है, नहीं तो कुछ मत करो तुम वही लगा लेना बाइट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन तो भी सही है। जैसे ये अर्थ का फील्ड है, वो कह रहा है कि अर्थ का फील्ड मैग्नेटिक की वैल्यू इतनी है ऑन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, एंड वैल्यू पोल्स पे कितनी होगी। पहले ये समझो जो अर्थ का मैग्नेट है वो ऐसा है सीधा है और इक्वेटर ऐसा है, तो अगर ये मैग्नेट ऐसा है और इक्वेटर ऐसा है तो जो इक्वेटर का पॉइंट है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और जो पोल है इस मैग्नेट की लाइन में लाई करता है तो ये इसका एक्सियल लाइन है, इसकी एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो तुम्हें इक्वेटोरियल का फॉर्मूला तो पता है, इक्वेटोरियल की वैल्यू भी पता है इक्वेटर के ऊपर, तुम्हें पोल्स पे निकालनी है, तो मुझे पता है कि अगर इक्वेटोरियल का ये फॉर्मूला है और पोल्स यानी कि एक्सियल लाइन का फॉर्मूला डबल हो जाता है तो तुम इस वैल्यू को स्ट्रेट अवे डबल कर दो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्सियल की वैल्यू इक्वेटोरियल से क्या होती है, डबल होती है। बस ये पता होना चाहिए इक्वेटर के पॉइंट इक्वेटोरियल के पॉइंट होते हैं और पोल्स के पॉइंट एक्सियल पॉइंट होते हैं, ठीक। इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टू पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ, तुम्हें एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पता है, एक्सियल लाइन के ऊपर तुम्हें दो डिस्टेंसेज गिवन है, आर की दो वैल्यूज गिवन है, R1 और R2, तुम्हें R1 R2 पे जो बी आएगा उसकी रेशियो पता है B1 B2 12.5:1, तो तुम एक्सियल का पहला फॉर्मूला लगाओ R1 के साथ, तुम एक्सियल का दूसरा फॉर्मूला लगाओ R2 के साथ और यहाँ पुट कर दो, सब कैंसिल हो जाएगा। R1 R2 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ तुम्हें L नहीं पता, सॉल्व करके L निकाल लेना आंसर आएगा। लंबा फॉर्म, लंबा तरीका है ये, मैं मेथड बता सकता हूँ कि इस तरीके से आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में दो मैग्नेट्स गिवन होंगी आपको, इन टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन होंगे, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है, इस मैग्नेट का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम पता है, तुम्हें इस पॉइंट पर नेट बी निकालना है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ, ये M1 वेक्टर है और ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल लाइन है,
एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होता है, बी वेक्टर और एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करो, इक्वेटोरियल में 180 एंगल होता है ई में और पी में, एक्सियल में सेम होता है। उसी तरीके से साउथ से नॉर्थ, ये एम टू वेक्टर है, और अगर ये एम टू वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। तो अब क्या होगा, ये दोनों, ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल है, ये पॉइंट इसके लिए भी एक्सियल है, तो दोनों में एक्सियल का फॉर्मूला लगाओ। शॉर्ट डायपोल के लिए एम वन एम टू आपको पता है, नेट बी की वैल्यू यहाँ से वेक्टर सम से आएगी। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे लॉजिक लगाना है इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो अगर एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो निकाल लेना ना, टेन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब इसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस अपॉन दिस करोगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स में। जैसे फिर क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे नेट बी निकालना है, यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पर है, साउथ से नॉर्थ, एम वन वेक्टर ये रहा, और ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन है। तो अगर इक्वेटोरियल है तो एम वेक्टर नीचे है तो पी बी वेक्टर ऊपर है, और इसके लिए साउथ से नॉर्थ, एम वेक्टर इधर है तो फिर डायपोल मोमेंट ऑपोजिट है, इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि पी पॉइंट इसके लिए भी इक्वेटोरियल है, पी पॉइंट इसके लिए भी इक्वेटोरियल है। तो दो फॉर्मूलाज जो बी वन बी टू होंगे दोनों इक्वेटोरियल के लगेंगे, और नेट आंसर फिर से वेक्टर सम से आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इन क्वेश्चंस का? ठीक। और उसी तरीके से जो लास्ट शीट थी 48th है, जिसमें आपको ये गिवन है कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का टॉर्क का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, एम बी साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड पी वेक्टर। जैसे एक बार मैग्नेट है, ये रही बार मैग्नेट का एम वेक्टर क्या है, साउथ से नॉर्थ, उसने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। तो आप चेक कर सकते हो, इसमें शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम पता है, आपको एंगल पता है, तो ये कितने एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, 30 डिग्री पे। टॉर्क पता है आपको, बी बताना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 पुट करेंगे, टॉर्क आपको पता है, सॉल्व करके बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सी बी एस ई में आता है कि बार मैग्नेट बी के साथ क्या एंगल बनाए ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाए। एक बार मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो बी के साथ अलाइन हो जाएगी, बी के साथ रहना पसंद करती है। तो बार मैग्नेट जब अलाइन हो जाएगी तो एंगल बी में और एम में क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना, शॉर्टकट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एम और बी में एंगल जीरो होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एम और बी में एंगल 180 होगा, भूलना नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बी और एम में एंगल जीरो है और अनस्टेबल में 180 है। तो इसे स्टेबल पूछा तो एंगल जीरो कर देना। जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, 300 टर्न्स हैं, डायमीटर पता है तो रेडियस पता है, तो एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और करंट भी पता है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम क्या होता है, करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ लूप्स, निकाल लेना, ठीक है। जैसे टॉर्क निकालना है, बार मैग्नेट का कैपिटल एम पता है, 30 डिग्री पता है, और बी पता है, बी किस में गिवन है, गॉस में। सबसे पहले इसको टेस्ला में कन्वर्ट करो, 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर टॉर्क निकाल लेना एम बी साइन थीटा, आंसर। जैसे टॉर्क निकालना है एक बार मैग्नेट के ऊपर जिसकी लंबाई पता है, बार मैग्नेट की लंबाई क्या ली जाती है, 2L, पोल स्ट्रेंथ पता है स्मॉल m, जब भी स्मॉल m पता हो 2L पता हो तो कैपिटल M तो आ ही जाएगा स्मॉल m इंटू 2L से। अब कैसे रखा गया है, बी आपको पता है, अगर मैग्नेट को पैरल टू दी फील्ड रखा गया है, पैरल टू दी फील्ड का मतलब है एंगल M और B में जीरो, तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन जीरो से जीरो। फिर मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा गया है, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 90, टॉर्क निकाल लेना दोनों केसेस में। जैसे डायपोल मोमेंट अर्थ का पता है कैपिटल एम, और इफ वी कंसिडर टू बी करंट कैरिंग लूप की तरह कंसिडर किया जाए और राउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो करंट क्या होगा, तो कैपिटल एम की वैल्यू दे रहे, कह रहे करंट कैरिंग लूप होता तो
तो इसमें करंट क्या होता? तो बेसिकली क्या करेंगे, कैपिटल एम करंट करेंगे, लूप में क्या होता है, करंट इनटू एरिया, तो कैपिटल एम पता है, करंट निकाल लेना आंसर आ जाएगा। जैसे सोलेनोइड है जिसकी लंबाई पता है, जिन बार मैग्नेट नहीं है, बार मैग्नेट 2L लेते हैं, सोलेनोइड में L लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पता है और एरिया भी पता है। इट इज़ प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट और बी में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो टॉर्क बताओ कितना है। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। कैपिटल एम क्या होता है, बार जो सोलेनोइड है उसका कैपिटल एम कैसे निकला, एक लूप का क्या है, करंट इनटू एरिया कैपिटल एम, और नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एम आ गया, और एंगल आपको पता है आंसर। तो सोलेनोइड का कैपिटल एम कैसे निकला समझ में आ रहा है, करंट इनटू एरिया को नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई। जैसे करंट 3 एम्पियर है, रेडियस आपको पता है, तो एरिया भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है। करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम निकालना है, बताया था मैंने, करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, एक आंसर। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल निकालो। कब, उसने एंगल तो दिया ही नहीं, एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, जब एंगल ना गिवन हो तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता है, याद रखना। तो एंगल क्या रहेगा उनमें, ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ज़ीरो, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, भूलना नहीं एक चीज़, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस जीरो होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में माइनस एम बी कॉस 180 होती है। निकाल लेना, इसने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लूँगा, बाई डिफॉल्ट एंगल जीरो ले लूँगा, एनर्जी माइनस एम इंटू पी आ जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर है। आपको शॉर्ट बार मैग्नेट गिवन है, एंगल थीटा पता है, बी पता है, टॉर्क भी पता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, आपको बताना है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी। तो आपने क्या करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा जब थीटा ज़ीरो, अनस्टेबल कब होगा जब थीटा 180, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस ज़ीरो, अनस्टेबल में माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 180 मैथ्स में माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेगेटिव का मतलब एनर्जी मिनिमम होती है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, स्टेबल अनस्टेबल पे पक्का आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी पक्का सीबीएसई में आता है कि अगर आपके पास वर्क डन निकालना है, एक मैग्नेट का डायपोल मोमेंट पता है, कहाँ से कहाँ 60 डिग्री से कहाँ 60 डिग्री पे लेके आना है, फ्रॉम कहाँ से लेके आना है, पोजीशन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, तो वो पोजीशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो से 60 डिग्री पे लेके आना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, थीटा वन को जीरो, थीटा टू को 60। क्लियर है यहाँ तक। जैसे एक बार मैग्नेट है, कैपिटल एम गिवन है, मैग्नेट को रिलीज कर दिया फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब एक बार मैग्नेट हवा में सस्पेंडेड होती है, वो ना अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ लटक जाती है, लेकिन वो कहाँ पर पड़ी हुई है, ईस्ट वेस्ट, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ से अर्थ के फील्ड से उसका एंगल कितना है, 90। फिर उसको छोड़ दिया, वो नॉर्थ साउथ आ गई, अब एंगल क्या हो गया, ज़ीरो। तो यानी कि पहले एंगल कितना था, 90, अब एंगल कितना है, ज़ीरो। तो 90 से ज़ीरो आने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, वर्क डन नेगेटिव है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यही मैग्नीट्यूड है काइनेटिक एनर्जी का। तो जो चेंज, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, वही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक।